सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में बेसिकली एक विद्यासागर सोनी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल है कि वो दिन कब आएंगे जब किसी भी सेट टॉप बॉक्स को किसी भी केबल टीवी के नेटवर्क में चालू हो जाए, ऐसा कब होगा इसके बारे में बताइए। तो इसी को लेकर आज का वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, तो बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, इनका जो सवाल था कि वो दिन कब आएगा कि किसी भी कंपनी का सेटअप बॉक्स किसी भी केबल नेटवर्क पर चल जाए, ऐसा कब होगा। आज के डेट में जितने भी मार्केट में सेटअप बॉक्स अवेलेबल हो, चाहे डीटीएच के हों या केबल टीवी के हों, उन बॉक्सेज में फैसिलिटी नहीं है कि जिस नेटवर्क का बॉक्स हो किसी दूसरे नेटवर्क में उस बॉक्स को चलाया जा सके विदाउट लीगल वे में और पूरी तरीके से। तो मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ को कहते हैं सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी। जिस तरीके से मोबाइल पोर्टेबिलिटी आप करते हैं, जैसे एयरटेल से आप टाटा, एयरटेल से जियो में जा रहे हो, जियो से एयरटेल में आ रहे हो, इन सभी चीज़ों को जिस तरीके से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करते हैं जिसमें नंबर सेम रहता है, बस कंपनी चेंज हो जाती है, उसी तरीके से अगर डीटीएच और केबल टीवी में बात करें तो इसे भी सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी का नाम दिया गया था। हालांकि एक डेढ़ साल पहले इस चीज़ पे काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी, काफ़ी चीज़ें हुआ था कि सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी आएगा, इसमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी स्वैपिंग का चांसेस हुआ। बट अभी के टाइम पर दोस्तों अपना जो कैश सर्वर है, SMS सर्वर है, इतना रिलायबल नहीं है या सेटअप बॉक्स इतना ऑथराइजेशन लेने लायक नहीं है, क्योंकि सेटअप बॉक्स में भी बहुत सारे हार्डवेयर इंटरफेसेस चेंज करने होंगे तभी वो मल्टी नेटवर्क का सिग्नल एक्सेप्ट कर सकता है, मल्टी नेटवर्क का नेटवर्क ID, नेटवर्क नेम एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी भी कंपनी का सेटअप बॉक्स है उसे लॉक करने के लिए नेटवर्क लॉक लगाया जाता है नेटवर्क ID और नेटवर्क नेम के जरिए। वो सभी के सभी आपके PSI सर्वर, कैश सर्वर, मक्स में, क्वैम में, हर जगह कॉन्फ़िगर होता है। उसी नेटवर्क ID, नेटवर्क नेम के जरिए ही आपका सेटअप बॉक्स आइडेंटिफाई करता है कि मुझे कौन से नेटवर्क का है या कौन से नेटवर्क का है, कौन से नेटवर्क का कौन सा होम TS है। सभी चीज़ों को सॉफ्टवेयर में बाइंड किया जा सकता है, एक लॉजिक पुट किया जाता है, उसके जरिए ही सेटअप बॉक्स का फंक्शनलिटीज़ काम करता है। तो सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी के लिए ट्राई ने भी ये चीज़ छेड़ा था, इसके लिए ओपन हाउस डिस्कशन भी हुआ था। लेकिन अभी जो अपडेट आई, कुछ मार्केट में बहुत सारे बॉक्सेस अभी भी MPG 2 के ही हैं, कुछ अब के डेट में MPG 4 बॉक्सेस भी आने लगे हैं, लेकिन जो सेटअप बॉक्स की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इतना रिलायबल नहीं है कि मल्टी नेटवर्क के सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट अपडेटिंग एनी सॉफ्टवेयर। तो अभी के टाइम पर बेसिकली जैसे ट्राई चैनल सेलेक्टर एक ऐप बनाया गया था जहाँ पर सभी नेटवर्क को लिंक करा जा रहा था कि वहाँ से ऑनलाइन रिचार्ज होगा, वो भी पूरी तरीके से भी काम नहीं करता है। भले ही लिंक कर दिया गया है, बुके प्राइस वगैरह आप देख सकते हैं, बट अगर आप रिचार्ज करने की कोशिश करेंगे तो रिचार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट कैश सर्वर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट SMS सर्वर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेड एंड है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से हैं। इन सभी चीज़ों को एक जगह अगर एक सर्वर पर अगर हो तो मे बी ऐसा पॉसिबल हो पाता कि किसी भी नेटवर्क को चलाया जा सकता है, किसी भी नेटवर्क बॉक्स किसी दूसरे नेटवर्क को चला सकते थे। बट अभी के टाइम पे ऐसा चीज़ें नहीं है, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस नेटवर्क पोर्टेबिलिटी को काम कराने में भी काफ़ी लंबा समय लग सकता है। यूँ कहें दोस्तों, अगर आने वाले 2 से 3 साल तक अगर लोग इंडस्ट्री रहता है तो मे भी आ सकता है, अदरवाइज़ आज के डेट में तो OTT और IPTV के तरफ ही लोग ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं, तो मे भी आने वाले टाइम पर या तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा या जब तक होगा तब तक काफ़ी देर हो सकता है। तो ये था आपका जवाब, और होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिए, और कोई कमेंट हो या कोई सवाल हो तो इंस्टा, फेसबुक या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।